चले जी, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है और अब फाइनली मैं तैयार हूँ सेशन के लिए। सेशन की रिकॉर्डिंग भी चल रही है ताकि अगर कोई बच्चा ये सेशन बाद में दोबारा देखना चाहे या कोई नए बच्चे इस सेशन को देखना चाहे तो वो इस सेशन को देख सकें। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हो जो रजिस्टर हो चुके हो और कितने ऐसे बच्चे हो जो रजिस्ट्रेशन का अभी भी सोच रहे हो? और काइंडली मुझे ये भी बताना, साथ में मैं अभी अभी अपना मोबाइल चेक कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आपके सामने दो नंबर्स आ रहे होंगे, स्क्रीन पर आपके सामने दो नंबर्स आ रहे होंगे, आप दोनों नंबर्स अपने पास सेव कर लें। पहला नंबर एडमिशन्स के लिए है, एडमिशन्स का नंबर भी अपने पास सेव कर लें। आपकी एसएफएस की रजिस्ट्रेशंस एडमिशन्स वाले नंबर से होंगी, किसी ने रजिस्टर करवाना होगा कोर्स के लिए, एडमिशन ऑफिस से मालूम करेगा, फीस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में गाइडेंस चाहिए होगी एडमिशन से मालूम करेगा, इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी एडमिशन से मालूम करेगा, पोर्टल के बारे में कोई डिटेल चाहिए होगी एडमिशन से मालूम करेगा, और साथ में मेरा नंबर भी आप लोगों के पास आ रहा होगा। तो आप लोग मुझे भी मैसेज कर दो ताकि मैं आप लोगों को अपना स्मार्ट प्लानर भी भेज सकूँ, आप लोगों को गाइड भी कर सकूँ, आप लोगों के लिए सेशन के बाद भी अवेलेबल रहूं, और अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकें। ठीक है? ठीक है दानिश, तो इंशाल्लाह बस अभी हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, आपको आईकेएफ की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी एडमिशन से गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अच्छा, सेशन का फॉर्मेट क्या होगा जनाब? सेशन में पहले मैं आपसे कुछ गपशप करता हूँ, कुछ बातें आपको बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ रियलिटी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे जितने आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके एड्रेस कर रहा होऊंगा। ठीक है जी? आई होप कि आप सबने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। आई डोंट नो, मुझे व्हाट्सएप आ नहीं रहे, वैसे एक दो बच्चों के आए हैं। सारे बच्चे मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करें अपने कंप्लीट नाम के साथ ताकि मैं आपका नंबर सेव करूँ और मैं सेशन के बाद आपसे कोई आपने बातचीत करनी हो तो कर सकूँ। चाहे आपने मुझे पहले कभी व्हाट्सएप किया हो, पिछले ज़माने में किया हो, कल परसों तरसों किया हो, मुझे व्हाट्सएप अभी ज़रूर करें अपने कंप्लीट नाम के साथ। साथ में मुझे अपने इंटर के मार्क्स भी बताइएगा कि इंटर में आपके कितने मार्क्स थे। आप लोगों को मालूम होगा कि एसएफएस के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपके इंटर में 70 से ज़्यादा मार्क्स आते तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही होती हैं। तो हर बच्चा इंडिविजुअली अभी के अभी मुझे लाजमी तौर पर व्हाट्सएप करे। जो लोग ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब से देखेंगे वो भी जब देखें तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। साथ में एडमिशन्स का नंबर भी मैंने आपको दे दिया ताकि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सारी की सारी गाइडेंस यहाँ से भी मिल जाए जनाब। तो ये दो बातें जो मुझे आपसे फौरन फौरन करनी थी वो मैंने कर ली। आप लोगों ने आई होप के नंबर्स जो हैं वो अपने पास दोनों सेव कर लिए होंगे। क्या मैं स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ? और जनाब, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर हम पीआरसी के लिए एक नया बेहतरीन कोर्स लेकर आए हैं और पीआरसी का पूरा सिलेबस जो है वो कॉम्प्रेस्ड कम से कम टाइम में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर। और ये एक आपके सामने पिक्चर होगी, एक छोटी सी पिक्चर आ रही है, एक तो आईक्यू का लोगो है, साथ में मैंने अपने कोर्स के एक स्पेसिफिक लेक्चर से एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर सामने दिखाया है आप लोगों को कि किस तरह से हमारे स्मार्ट लेक्चर चल रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने यूट्यूब पर जितने हमारे लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू किया है क्या? देखा है आप लोगों ने लेक्चर्स को? आई होप कि सबने देखा होगा, सब किसी ना किसी ग्रुप में एडेड होंगे और अब उन्होंने अपना फैसला लेना होगा अपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। करेक्ट? पीआरसी आपका सीए का पहला लेवल होता है और उसमें आपके पास जो है वो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये कुछ जनरल डिस्कशन हम पिछली ओरिएंटेशन में भी कर चुके हैं, आप लोगों को गाइड कर चुके हैं, और उसमें से PRC 4 यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का इंशाल्लाह पेपर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस ओरिएंटेशन में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने पास कैसे करना है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर आपको कब देना चाहिए, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या इस स्मार्ट कोर्स के फीचर्स होंगे और किस तरह से आप एक सक्सेसफुल पाथ पर चल सकते हो। नंबर्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। टाइम टू स्क्रॉल डाउन। पहली चीज़ मैं अपना आप लोगों को तारुफ करवा दूँ, इंट्रोडक्शन करवा दूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता हो कि आप सेफ हैंड्स में हैं या नहीं, यानी कि आप किसी ऐसे बंदे के हाथ में हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ताहा पोपाटिया मेरा नाम है, आप लोग जो है वो जानते होंगे,
पता होगा आप लोगों ने ओरिएंटेशन की पोस्ट वगैरह में भी देखा होगा, अराउंड 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ACCA भी हूँ, प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट, PIFA का भी मेंबर यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट। कुछ सालों पहले जब मैंने अपने ACCA के पेपर्स कंप्लीट किए थे तो मैं पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट डिक्लेयर्ड हुआ था, यानी कि वो बंदा जिसके पूरे पाकिस्तान में जो ACCA के आखिरी पेपर्स होते हैं उसके एग्रीगेट यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं वो हाईएस्ट आए थे, हाईएस्ट इन इंटायर पाकिस्तान। वर्क एक्सपीरियंस EY, 2012 से 2016 में मैंने EY में काम किया। आप लोगों की भी जो आर्टिकल्स होती है आप लोगों को मालूम होगा कि आपने एक मैंडेटरी अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है जब आप अपनी CA की जर्नी में आते हैं। मेरी आर्टिकल जो है वो EY से हुई भी है। ठीक है मोहसिन, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल अप कर लेता हूँ स्क्रीन, आप नंबर नोट कर लें, पिक्चर ले लें इसकी, ताकि मैं फिर वापस से अपने इंट्रोडक्शन पे जाऊँ और हम इस सेशन को मजीद आगे बढ़ाएं। काइंडली इसकी पिक्चर ले लें अगर मोहसिन आप चाहते हैं तो। ठीक है जी, ले ली मोहसिन, फिर आप मुझे मैसेज जरूर करें अपने नाम के साथ। अच्छा जी, तो टाइम टू स्क्रॉल डाउन अगेन। तो मैं ये कह रहा था भाई, 12 साल का एक्सपीरियंस ACCA, PAA, PIFA, इसके अलावा BCOM भी है, MEconomics के भी कुछ पेपर दिए, कुछ डिप्लोमा शिप्लोमा भी है, वो सारे यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करे, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट, अलहमदुल्ला। गूगल पे मेरा नाम लिखें, आप लोगों को बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो नज़र आ रहे होंगे। वर्क एक्सपीरियंस EY का है 2012 से 2016, जो कि एक बड़ी Big 4 ऑडिट फर्म है। तो मैं आप लोग जब आगे वाले पेपर्स में इंशाल्लाह आएंगे, कैफ में भी आपसे मुलाकात रहेगी, और जब कैफ में आपसे मुलाकात रहेगी तो फर्म्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन होगी, क्योंकि वो फिर आपका कैफ के बाद का फर्म का स्टेज होता है। तो मेरी अपनी आर्टिकल्स EY की अलहमदुल्ला हुई भी है। नेशनल पोजिशन होल्डर APM, और एक पेपर होता है APM एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ACCA का, उसका मैं नेशनल पोजिशन होल्डर पाकिस्तान टॉप, नेशनल पोजिशन होल्डर गवर्नेंस रिस्क एंड एथिक्स, नेशनल पोजिशन होल्डर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग FFR की तरह का एक रिपोर्टिंग का पेपर होता है उसमें मेरी पोजीशन है, एक एथिक्स के पेपर में मेरी पोजीशन है। ये मैं तब के रिकॉर्ड्स आपसे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ जब मैं स्टूडेंट था। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट फॉर सिक्योरिंग 100% मार्क्स इन F2 एंड 96% इन F3, और मैं मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर इन क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी कि PRC2 का जो सब्जेक्ट है, मैं खुद उसका मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि नेशनल पोजीशन होल्डर, यानी कि वो बंदा जिसने पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा मार्क्स जो लेकर आया था, मैं खुद वो भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह PRC2 पे भी काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों की नेशनल पोजीशंस आई। PRC आने के बाद अब पोजीशंस नहीं आती हैं, अलबत्त जब PRC से पहले एक AFC का या उससे पहले मॉड्यूलर सिस्टम होता था तो पोजीशंस डिक्लेयर होती थी इन पेपर्स की, और इसी तरह से कैफ में भी पोजीशंस डिक्लेयर होंगी। तो मैं उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद नेशनल पोजीशन होल्डर था इस CA के पेपर का, और आज पढ़ाते 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 बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी पोजीशंस आई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्वालिफाइड भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स आज बाहर बहुत सारी जगहों पर काम भी कर रहे हैं। सो ये कुछ मेरा तारुफ था। नाउ कमिंग टू दी पेपर, जो हमारा मेन फोकस है आज का, और वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अच्छा देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है ना, बड़ा मजेदार पेपर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, और आगे आपके आने वाले CA के सारे कोर्सेज में यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, CFAP, MSA, कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं आपको जरा थोड़ी सी हकीकत से जो है वो आपको हकीकत दिखा दूं। हकीकत क्या है जनाब, अगर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो इसका हिस्टोरिकल रीसेंट पासिंग रेशियो मैंने IKEP की वेबसाइट से आपके सामने रखा है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर एक चैलेंजिंग पेपर है। स्टूडेंट्स को इस पेपर में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, पासिंग रेशियो इसका कम होता है। उसकी रीजंस क्या है सर, बिल्कुल वो भी हाईलाइट करेंगे। सर उस रीजंस को एड्रेस कैसे करें, उसको भी हाईलाइट करेंगे, आप फिक्र ही ना करें, हम सारी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पासिंग रेशियो की बात करूँ ना बेटा, तो जो अक्टूबर 2023 यानी कि लास्ट महीने पेपर हुए थे उसमें इसका पासिंग रेशियो 37.54% था, विच इज लोएस्ट अमंग ऑल PRC पेपर्स। इसके बाद इसी तरह से अगर हम मजीद आगे चलें तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पासिंग रेशियो 45% था, विच इज नॉट द लोएस्ट बट यस सेकेंड लोएस्ट, यानी कि इसका पासिंग रेशियो इतना ज्यादा नहीं होता है, इसका पासिंग रेशियो 50% से भी कम होता है। इसका पासिंग रेशियो जो है वो 40-30 की रेंज में वेरी करता है। सर इतना बुरा रिजल्ट आता क्यों है, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखें मसला क्या है।
पहले हम देखें भाई पेशेंट को बुखार है, फिर उसकी दवाई देंगे और उसको इंशाल्लाह सही करेंगे। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मसला क्या है, पासिंग रेशियो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू अदर पेपर्स। इसी तरह से अगस्त 2023 की अगर हम अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो अगस्त 2023 में भी आप देख रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पासिंग रेशियो है वो 46.5% था इन कंपेरिजन टू दी अदर पेपर्स। और एक बात जो आप शायद अभी सोच नहीं रहे, देखिए पीआरसी में अगर कोई फेल होता है तो वो दोबारा से पेपर देता है, करेक्ट? ऐसा ही है ना, अगर किसी का पीआरसी का या सीए का कोई भी पेपर रुकेगा तो वो दोबारा से पेपर देगा। तो पासिंग रेशियो लोएस्ट भी है और स्टूडेंट्स अपियर्ड देखो, स्टूडेंट्स अपियर्ड देखो, इधर बताओ कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था, 1258। दूसरे पेपर्स 800 800 लोगों ने दिए हैं, 600 लोगों ने दिए हैं। इसका मतलब सर इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरी बार तीसरी बार ये पेपर दे रहे होंगे, बिल्कुल, फिर भी पासिंग रेशियो लोएस्ट, बिल्कुल। यानी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी तो होंगे इसमें जो दूसरी तीसरी बार ये पेपर दे रहे होंगे, इसीलिए तो एग्जाम में जो अपियर होने वाले स्टूडेंट है वो ज्यादा है। तो सर दूसरी तीसरी बार जो जब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसके पासिंग रेशियो तो ज्यादा हो जाना चाहिए, फिर भी कम है। क्या इस बात की गहराई को समझे तुम? क्या इस बात की गहराई को समझ पाए हो तुम? तुम्हें ये बात समझ में आई कि इसका पासिंग रेशियो, सिर्फ पासिंग रेशियो नहीं देखो, साथ में ये देखो स्टूडेंट्स कितने अपेयर हुए, साथ में ये देखो कि स्टूडेंट्स कितने अपेयर हुए, वो सबसे ज्यादा है क्योंकि वो दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे हैं। सर आपने तो हमें डरा दिया। देखो डराने की बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, क्लैरिटी, क्लैरिटी, ठीक है ना। मेरा हमेशा से ये उसूल रहा है कि जनाब स्टूडेंट को सारे मसले बता दो, कुछ छुपाओ नहीं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं और आप दोस्त हैं, हम दोस्तों की तरह पढ़ें, आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताएं, मैं उसका सलूशन बताऊं, हमारे बीच में किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है, खास तौर पर ऑनलाइन टीचिंग में, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में मेरी आपकी मुलाकात बहुत कम होगी। सो आपने ये इंश्योर करना है कि आप सारे मसले मुझसे डिस्कस करें, मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। एक चीज आप पूछो तो मैं उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब बताऊं। क्या बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है? मुझे जरा चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ, और इंडिविजुअली आप सबने मुझे मैसेज भी करना है, ठीक है जी। तो अब ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया सर कि पीआरसी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी होंगी, दूसरे सब्जेक्ट से वो ज्यादा शायद टाइम लेगा, हमें उसको ज्यादा अच्छे से देखना होगा और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, बिल्कुल। क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा, आप में से कोई ये नहीं चाहेगा कि वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की दूसरी तीसरी अटेम्प्ट दे रहा हो, वो ये चाहेगा कि पहली ही अटेम्प्ट में मेरा पीआरसी हो, पहली अटेम्प्ट में मेरा कैफ हो, पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह मेरा सीपैप एमएस हो और पहली ही अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई हो जाऊँ। सो दिस इज दी प्रॉब्लम दैट आई हैड टू हाईलाइट इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। आपने इस सब्जेक्ट पर ज्यादा काम करना है। अगर आपके पास दिन में 5 घंटे हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते एक एक घंटा सबको दें, शायद इसको 2 और बाकी 3 घंटे आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में डिवाइड करने होंगे। अब सर हम आप इसका एक तो सोल्यूशन भी बताएं और हमें अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए आपसे से बहुत सारे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं मैं पेपर कब दूं, मैं पेपर इस महीने दूं उस महीने दूं, रजिस्ट्रेशन आईकेएफ की कब करवाऊं, मेरी पहली अटेम्प्ट कब होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए आपने है ना हमेशा अपना एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होता है। जब आपके पास प्लान होगा ना, आपने बस फिर उस प्लान पर काम करना है, आपने दूसरी कोई चीज नहीं सोचनी है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल सा प्लान बना दिया। आज आप नवंबर में खड़े हुए हो, आपके पास दिसंबर में एक पीआरसी की अटेम्प्ट होगी, बट ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा करीब है, सो उसको इग्नोर करो। अगली अटेम्प्ट आएगी जनवरी में, आपने जनवरी की अटेम्प्ट मिस नहीं करनी है बेटा। अगर आपने जनवरी की अटेम्प्ट मिस कर दी तो आप एक ब्लंडर ये कर दोगे कि आप पे प्रेशर बहुत डेवलप हो जाएगा और आपको फिर 5 पेपर्स एक साथ देने होंगे। मैं अगर आपकी जगह होता, मुझे अगर तुम अपना बड़ा भाई मानते हो, मुझे अगर तुम रोल मॉडल मानना चाहते हो, तो आपको मेरी सजेशन ये होगी कि यार एक पेपर जनवरी 2024 में दो, ठीक है, आसान वाला दे दो, आसान वाला दे दो, जिसका सिलेबस कम है वो वाला दे दो, जो तुम्हें लगता है आराम से क्लियर कर लोगे वो वाला दे दो। अच्छा इसमें मेरी सजेशन ये होगी कि PRC 1 या PRC 5 दिया जाए, ठीक है, मेरी सजेशन ये होगी कि जनवरी में PRC 1 या PRC 5 दिया जाए।
देखो जब तुम एक पेपर दोगे, तुम एग्जाम सेंटर जाओगे, तुम पेपर में अटेम्प्ट होगे, तुम्हें आईके का मिजाज पता चलेगा, उसका रवैया पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा वो चाहता क्या है, तुम्हें पता चलेगा वो पढ़ना कैसे है। उस पेपर पे ज्यादा मेहनत करो, दूसरे चार सब्जेक्ट्स थोड़ा सा स्लो चलें, फिर आप मार्च में बाकी चार सब्जेक्ट्स दे दो। अच्छा कितने लोग ये सोच रहे थे कि हम जनवरी में पेपर नहीं देंगे, कितने लोग ये सोच रहे थे मार्च में पांचों देंगे, कितने ये सोच रहे थे मैं तो मई में जाके पेपर दूंगा, कितने लोग ये सोच रहे थे कि मैं कभी और कोई और प्लान फॉलो करूंगा। पीआरसी का प्लान, मेरा पीआरसी का प्लान क्या है, 1 जनवरी में, 4 मार्च में, आप लोग क्या सोचकर यहाँ आए थे। ठीक है, ऋषा ने कहा कि भाई मैंने सोचा था 5 मार्च में, करेक्ट। बाकी बच्चों आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या प्लान दिमाग में रखा था कि भाई मुझे इस वक्त ये पेपर देने हैं, है? किसी ने कुछ सोचा था? देखो पांचों अगर मार्च में दोगे ना, पांचों अगर मार्च में, आयशा ये अच्छा प्लान है, अगर आप कर सकती हो आयशा 2 जनवरी में, 3 मार्च में, बेहतरीन। पांचों मार्च में देने का मसला ये होगा कि एक हफ्ते में सारे पेपर्स होते हैं, और जब एक ही हफ्ते में सारे पेपर्स होते हैं ना तो आपको ब्रेक मिलता नहीं है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो अप्रोच है 2 3 या 1 4, ठीक है? अगर आप 2 और 3 कर सकते हो वो भी बेहतरीन अप्रोच है। आप जो कह रहे दो दो, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 1 और 5 दो, ताकि आसान वाले पेपर एक निकले, जान छूटे, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले, कॉन्फिडेंस आई हो, ऐसा पेपर नहीं हो जिसका पासिंग रेशियो लो है। रिकमेंडेड ये है कि क्यूएम और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो आप मार्च में दो, वो आपको जनवरी में देने की जरूरत नहीं है, 1 और 5 में रिकमेंड करूंगा। बाकी फैसला आपने लेना है, इस लेसन को, इस ओरिएंटेशन को जैसे ये यूट्यूब पर अपलोड हो एक बार दोबारा से देखना जरूर, ताकि आपको आइडिया मिले हमने क्या क्या बातें करी थी। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का, अब आप आहिस्ता आहिस्ता मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा फिर सितंबर में आपने जो है ना कैफ के ग्रुप ए के चारों पेपर्स देने, मार्च में इंशाल्लाह उसके सेशन से स्टार्ट होंगे। कैफ में एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे इंशाल्लाह, और आपके पास जो है वो कैफ का ग्रुप ए जो है वो आप सितंबर में दे सकोगे, और इस तरह से आप जो है वो आगे अपनी प्रोग्रेस कर सकोगे। ये 1 साल का, अगले 1 साल का मैंने आपको प्लान दे दिया। अब बात ये आती है कि सर हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ टीचर्स के ऑप्शंस हैं, आईकी स्कूल ऑफ फाइनेंस ने हमें ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन ये दिया है कि आप जो है ना वो मुख्तलिफ टीचर से पढ़ सकते हो। तो जाहिर है कि हम आपसे क्यों पढ़ें, आप हमारा ये डिसीशन आसान बनाए। तो मेरे कोर्स में यूनिक क्या है, देखो भाई मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पर ये इस जगह पे पहुंचा हूँ कि खास तौर पर आईकेप अगर आपने पास करना है ना तो आपने एक लेवल ऊपर पढ़कर जाना है। अगर आप एक लेवल ऊपर नहीं पढ़कर जा रहे हो तो आप खुद गलती कर रहे हो। अब एक लेवल ऊपर पढ़कर जाने का क्या मतलब है, देखो एक सीधी सी एग्जांपल देता हूँ। तुम मैट्रिक के पेपर देने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम मैट्रिक के पेपर से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि फर्स्ट ईयर के शुरू के जो रेलेवेंट 3 4 चैप्टर्स है वो पढ़ लोगे तो मैट्रिक कितना आसान बन जाएगा, ठीक बात है या नहीं? तो मेरे कोर्स में मैंने जो एक टेक्निक यूज करी है ना वो ये यूज करी है कि जनाब मैंने अपने कोर्स में पुराने FAR1 के, CAF1 के पास पेपर्स भी सॉल्व करे हैं। अब सर ये पुराना CAF1 क्या होता है, देखो हर 5 साल बाद, 6 साल बाद आईकेप अपनी पॉलिसीज, अपना कोर्स का स्ट्रक्चर, पेपर्स चेंज करता है। आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि पीआरसी से पहले AFC और CAF होता था? कितने लोगों को मालूम है कि PRC से पहले, अभी तो PRC है 5 पेपर्स हैं, CAF के 8 पेपर्स हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपके पास AFC होता था, उसमें 4 पेपर्स होते थे, और CAF में आपके पास 9 पेपर्स होते थे। तो जब आपके पास CAF में 9 पेपर्स होते थे, उसका जो पहला पेपर होता था वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर होता था। इसका मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर आपका पीआरसी का पेपर नहीं होता था पहले, और उसमें आते थे 3 घंटे का पेपर आता था, 3 घंटे के पेपर में 6 8 सवाल होते थे, लेंदी सवाल होते थे, ऐसे सवाल नहीं होते थे जैसे अभी पीआरसी के पेपर्स में आ रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे मुकम्मल सवाल होते थे, 10 मार्क्स 20 मार्क्स के, उन्हीं टॉपिक के जो टॉपिक आप पीआरसी में। तो यार देखो अगर आपको पता है कि एक मसला है, और मसला ये है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर जो उसका पासिंग रेशियो कम है उसमें मुझे मुश्किल हो सकती है, उसके पेपर को निकालने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट करनी है, सो व्हाई नॉट कि आप पहली ही अटेम्प्ट में कुछ मुश्किल कर कर जाओ, कुछ एक्स्ट्रा कर कर जाओ, कुछ ऐसा कर कर जाओ जो दूसरे स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा, तो आपको एडवांटेज होगा, एज होगा। सो मैंने अपने कोर्स में क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक है, मैंने इसके 2 10 10 या 15 15 मार्क्स के सवाल करवाए हैं।
मैंने अपने कोर्स में ऐसा किया हुआ है कि डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक है, मैंने उसके 10 10 15 15 मार्क्स के दो सवाल करवाए हुए हैं। मैंने अपने मेरे कोर्स में बेड डेट्स का टॉपिक है, मैंने बेड डेट्स के 10 10 15 15 मार्क्स के दो सवाल करवाए हुए हैं। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया कि बेटा जब तुम 15 मार्क्स का सवाल कर कर जाओगे तो 2 मार्क्स आसानी से कर लोगे। ये ऐसा ही है कि जैसे तुम कह लो कि जब तुम 6th क्लास में गए तो तुम हंसते थे कि यार 3 में हमने क्या पढ़ा, 7 में गए तो 6 पर हंसते थे 6 में क्या पढ़ा, 8 में गए तो तुम हंसते थे कि यार 7 में हमने पूरे साल में ये पढ़ा। इसी तरह से अगर कोई इंटर पढ़ ले, अगर कोई इंटर का पेपर तैयार कर ले तो वो बोलता है कि यार मैट्रिक में मैंने सिर्फ इतना सा पढ़ा था पूरे सालों में। तो यही रीजन है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई आप एक लेवल ऊपर की प्रिपरेशन कर कर और उसके कम वाला पेपर दो, आपका पेपर बहुत आसानी से निकलेगा, आराम से निकलेगा। सो ये मेरी एक पॉलिसी है। इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह बिल्कुल सॉल्व नहीं है, लाइव क्लासेस भी होंगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, बहुत सारी और भी चीजें होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा यहाँ पर मैं एक दो सवाल आप लोगों से देख लूँ चैट में। सर क्या आईकेप में रजिस्ट्रेशन के बाद ही हमारा टाइम? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आईकेप में रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे फिर आपका टाइम पीरियड जो है वो काउंट होना शुरू होगा। और जितने बच्चे ऐसे हो कि जिनके मार्क्स जो है वो 70s में आए हैं, 80s 90s में आए हैं, उनको आईकेप और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस दोनों जगह से स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। यहाँ तक मैंने कुछ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करी अबाउट मेरा कोर्स किस तरह से डिफरेंट है, पासिंग रेशियो क्या है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, आप लोगों को एक प्लान दिया। मूविंग ऑन, हम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पे किस तरह से पढ़ेंगे और मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज ये कि आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, आपको हर चैप्टर के जो है वो कॉन्सेप्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे होंगे, साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे होंगे, और जितने लोगों ने पोर्टल पर एक्सेस किया है उनको ये सारी चीजें मिल चुकी होंगी। सर मैं क्लास अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हारून हम व्हाट्सएप पर इसको डिस्कस करते हैं, बस मुझे 2 मिनट देना बेटा, मैं अपनी जरा प्रेजेंटेशन वाइंड अप कर लूँ। ठीक है जी। अच्छा हाउ डू वी टीच एट आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस? प्री रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा आपको, आपके पास पोर्टल होगा, यूजर आईडी पासवर्ड होगा, आप कभी भी लैपटॉप खोलें पढ़ना शुरू कर दें, रात हो दिन हो दोपहर हो शाम हो सुबह हो, आप अपने पास प्री रिकॉर्डेड कंटेंट को कवर करेंगे। फिर क्या होगा सर? लाइव सेशंस। देखिए मैं आपको अकेला तो छोड़ नहीं सकता, एक लाइव सेशन की बात ही अलग होती है। अभी देखो हमारा जो सेशन है, हमारी जो बातचीत हो रही है, ये रिकॉर्डेड में नहीं हो सकती। रिकॉर्डेड में टाइम सेव हो सकता है, रिकॉर्डेड में आपको मजा आएगा पढ़ने में, एनिमेशन है, रिकॉर्डेड में सारी चीजें जो है वो एडिटेड है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, बिल्कुल सारी चीजें। लेकिन लाइव सेशंस मैं समझता हूँ बहुत जरूरी होता है, तो मैं हर हफ्ते कुछ नहीं तो 30 मिनट्स का लाइव सेशन तो करूंगा। वो 1 घंटे का भी हो सकता है, वो 2 घंटे का भी हो सकता है, वो 3 घंटे का भी हो सकता है, जरूरत पड़ी तो 4 या 5 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ वीक हमारा एक सेशन होगा जिसमें मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात करेंगे, मैं कोई सवाल सॉल्व करवाऊंगा, मैं कोई एमसीक्यू करवाऊंगा, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर हो रही होंगी। सो सबसे पहले तो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट, उसके बाद आपके पास लाइव सेशंस होंगे। सर और क्या होगा? असाइनमेंट्स, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हो पहली अटेम्प्ट में सीए करना? कितने लोग चाहते हो पहली अटेम्प्ट में सीए करना? कितने लोग चाहते हो पहली अटेम्प्ट में पीआरसी करना? कितने लोग चाहते हो चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, सभी चाहते हो ना? मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, तकरीबन 10 से 12 असाइनमेंट्स होंगे। देखो मुश्किल होंगे ये मैं बता दूं, मैं वो टीचर हूँ जो बच्चे को निचोड़ लेगा, लेकिन मुझे बताओ यार तुम 4 महीने की खुआरी कर लो तो तुम्हारा पेपर निकल जाए। मैं ये नहीं चाहता कि यार तुम जो है ना उठकर आओ बोलो सर इस बार 40 पर रुक गया, फिर अगली बार आओ बोलो सर इस बार 45 आ गए, फिर अगली बार वापस से पढ़ो फिर 50 लेकर आओ। यार पहली बारी में ही इतनी मेहनत कर लो जितनी तुम्हें 3 बारी में बांट कर करनी है, खुद भी खुश रहो, पैसे भी बचाओ, खुआरी भी बचाओ, इज्जत भी बचाओ। सही है? तो मैं आपको दूंगा कुछ असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स आपने मुझे सॉल्व कर कर सबमिट करने होंगे, मुश्किल होंगे, हम ग्रुप पर डिस्कस करेंगे, हम ग्रुप में क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, वो आपस में पेपर्स को डिस्कस करेगा, हम डिस्कस करेंगे, लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, उसकी क्वेरी सॉल्विंग होगी, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। असाइनमेंट्स के बाद आपका एक मॉक एग्जाम लिया जाएगा, अगेन मॉक एग्जाम आईकेप के लेवल से मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा ज्यादा हो, आईकेप के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा रखने की रीजन अगेन यही है मेरी पर्सनली। देखिए मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन आपसे शेयर किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि आप हमेशा एक लेवल ज्यादा कर कर जाओ, कुछ एक्स्ट्रा कर कर जाओ, तो आप वो आराम से अचीव कर लोगे जो आपको चाहिए। उसके बाद रिविजन सीरीज, इनशाला जिस टॉपिक जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसकी एक रिविजन सीरीज होगी,
उसके बाद ग्रैंड रिवीजन जब आखिरी दिन पेपर के करीब आ रहे होंगे इंशाल्लाह मार्च में, तो हम सारे टॉपिक्स का कोशिश करेंगे विद इन 2 to 3 आवर्स एक रिकैप करें, एक क्विक रिकैप करें, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में वापस से आ जाएं, फास्ट फॉरवर्ड रिकैप होगा ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर लो। मॉक डिब्रीफ जो मैं मॉक सेशन लूंगा ना, फिर उसकी ऑब्वियसली एक क्लास होनी चाहिए जिसमें मैं उसमें आपकी गलतियां समझाऊं कि जनाब आपने क्या गलतियां की थी। व्हाट्सएप सपोर्ट, बिल्कुल व्हाट्सएप सपोर्ट आपको अवेलेबल होगी। मेरा स्मार्ट क्लासेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। अच्छा, आप में से कितने लोग मेरे कोर्स में रजिस्टर हो चुके हो? क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो? मुझे एडेड लिखकर बता दो। मैंने अपना व्हाट्सएप सपोर्ट का एक ग्रुप बना लिया है क्योंकि अभी ओरिएंटेशन के दिन है तो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेसिक एक्टिविटीज उसमें चल रही हैं, ये एक्टिविटीज मजीद इंक्रीज होंगी। जबरदस्त 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 असगर, जबरदस्त फिजा, जबरदस्त सारे बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि ऐड हो चुके हो आप। ठीक है, आयजा भी एडेड है, दानिश भी एडेड है, असगर भी एडेड है, फिजा भी एडेड है, बेहतरीन। तो उस ग्रुप में जो है कुछ टाइम बाद मैं जो है वो टीचर असिस्टेंट्स वगैरह भी ऐड करूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप उनके साथ जब सेशंस करेंगे तो आपकी ऑन स्पॉट जो है वो प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही होंगी। असिस्टेंट टू इंस्ट्रक्टर, अच्छा जी, जनवरी से या प्रोबेबली दिसंबर एंड से आपके ग्रुप में एक टीचर असिस्टेंट भी ऐड होगा और वो टीचर असिस्टेंट आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा, वो खुद भी लाइव क्लासेस लेगा और वो एक क्वालिफाइड बंदा होगा। अच्छा, जैसे अगर आपने इनरोल करवा दिया बेटा तो आप बिल्कुल एडमिन को बोलें कि वो मेरे स्मार्ट क्लासेस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के, देखिए एक तो ग्रुप 14 ग्रुप 15 है, एक PRC 100 आवर्स का ग्रुप है जो पब्लिक ग्रुप है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पेड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का जो ग्रुप मेरे साथ है जिसमें मैं सेशंस की अपडेट देता हूँ, वॉइस नोट डालता हूँ, उसमें ऐड हो जाए प्लीज। अच्छा, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फॉरन इमीजिएटली आज ही अभी ही मैनेजमेंट को जरूर कॉन्टेक्ट करें ताकि आप जो है वो जल्द अज जल्द सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐड हो। सो आपको असिस्टेंट टू इंस्ट्रक्टर मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी, ये सारी चीजें होंगी, ई नोट्स मिलेंगे, आप लोगों को आपकी सपोर्ट के लिए सवाल वगैरह के नोट्स होंगे। अगर कभी कोई चीज़ एक्सेल पे सॉल्व करनी पड़ी, कोई इस तरह की चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर होगी तो बिल्कुल हम उसको देखेंगे। वॉइस नोट्स होंगी और एक सीक्रेट सॉस होगी, सीक्रेट सॉस एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सारी बातें थी मेरी तरफ से, अब आप लोगों के क्वेश्चंस, और ये मेरा नंबर है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेशन लेट ज्वाइन किया है? शुरू में मैंने बहुत ही ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट बातें करी थी, अगर आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है इस सेशन की रिकॉर्डिंग विद इन 12 to 18 आवर्स हमारे यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएंगी, वहां से देखें, एडमिन का नंबर भी नोट कर लें ताकि आपको जो है वो क्लास के बाद आप एडमिन से भी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकें, मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकें, और जैसे ही आप ऐड वगैरह होते हैं तो मैं आप लोगों को एक स्मार्ट प्लानर भी शेयर कर दूंगा, और वो स्मार्ट प्लानर जो है ना वो स्मार्ट प्लानर आपको ये गाइड करेगा कि जनाब आपने आगे चीजें लेकर कैसे चलनी है। स्मार्ट प्लानर आपको ये गाइड करेगा कि आपने आगे किस तरह से चीजें लेकर चलनी है। सर, यू सो लाइक ए पास असगर, अगर आप अनम्यूट करना चाहते हो अनम्यूट कर बेटा पूछ लो, मैं आपकी क्वेरी समझा नहीं। हाउ कैन आई ज्वाइन द ग्रुप? बिल्कुल आप एडमिन को मैसेज करें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। हाँ जी, अब बताएं आप लोग बिला झिझक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है मुझे बताएं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को, कंसर्न को, क्वेरी को एड्रेस कर सकूं, आपसे बात कर सकूं, आपको मशवरा दे सकूं। आईक्यू में भी स्कॉलरशिप, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में भी स्कॉलरशिप मिलेगी, और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसके अलावा आपको आईकैप में भी स्कॉलरशिप मिलेगी, और उसके हिसाब से आपकी जो भी डिटेल्स है वो एडमिन का आपने नंबर नोट किया होगा, आप एडमिन को अपने मार्क्स मार्कशीट शेयर करें, उनको सारी चीज़ें बताएं, उनको अपना सिनेरियो बताएं, उनको बोले कि सर ताहा ने हमें सेशन में बताया कि हमें स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, तो उसकी क्या डिटेल, 71% में बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप SFS के लिए भी एलिजिबल हो, 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स पर SFS की स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो भी आप अवेल कर सकती हो। और कोई चलें जी, मुझे बताएं क्या क्या आप लोगों के कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, मसले मसाइल हैं, ताकि मैं आप लोगों के जो भी सवालात हैं उनको एड्रेस कर सकूं। इवन आफ्टर द सेशन मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूं, बट इट इज़ बेटर कि आप अभी, मैंने अभी तक आईकर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दानिश, आप आराम से, कुछ बच्चों के अभी रिजल्ट्स आने हैं, मार्कशीट्स आनी है, सारी चीज़ें आनी है, तो जैसे ही आ जाती हैं आप फिर रजिस्ट्रेशन करवा लें। सर, PRC में पेपर्स अटेम्प्ट काउंट होती हैं,
एक ड्यूरेशन होता है सर्टेन, उसके अंदर अंदर आपने सारे पेपर्स क्लियर करने होते हैं। एक साल का है, लेकिन कुछ अभी पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, सो लेट सी कि वो आईकैप आपके क्या अपडेट करता है। बट आप ऐसा नहीं सोचो, आप ये सोच लो भाई मुझे जनवरी में एक पेपर या दो पेपर और मार्च में तीन पेपर देकर अल्लाह हाफिज बोलना है पीआरसी को। सर मैं क्लास अभी स्टार्ट करूँ तो पेपर कब कब दूँ? हारून आप अभी रजिस्टर करवाओ, विद इन वन डे, विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज, जैसे ही आप जो है वो सारी चीजें करवा लोगे, एडमिन आपको PRC 1, 2, 3, 4, 5 का एक्सेस दे देंगे। रिकमेंडेड ये है कि PRC 1 और PRC 5 आप जनवरी में दे दो, PRC 2, 3, 4 को थोड़ा सा स्लो चलाओ और जनवरी के बाद इसको पेस अप करो, और मार्च में आप आराम से क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप जो गाइडेंस मैं ग्रुप पर दूंगा उसको फॉलो करोगे। सैटिंग क्यूएटी एग्जाम ठीक है। अच्छा, जिन जिन के क्यूएटी के एग्जाम्स हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, वो एलिजिबल है पीआरसी के लिए, वो फिर उनके पास कुछ बेसिक नॉलेज भी होगी, उनके लिए भी मेरा सजेस्टेड प्लान ये है कि जनवरी और मार्च को ऑप्ट करें, दो और तीन पेपर्स दें और जल्दी से स्टार्ट करें, लेट ना करें। और किसी का कोई सवाल, किसी किस्म का कोई कंसर्न? सर इस क्वेश्चन कब तक अवेलेबल है मेरे रिजल्ट? कृष्णा, अगर रिजल्ट नहीं आया कोई मसला नहीं है, रिजल्ट की जो आपकी फर्स्ट ईयर की जो आपकी परसेंटेज है, आप एडमिन से एक बार कंसल्ट कर लें, उसकी बेसिस पर वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देंगे, आप फाइनल मार्कशीट वगैरह बाद में सबको सबमिट कर सकते हो। अगर आप कैंपस विजिट कर लो तो अच्छा होगा, अदरवाइज आप जो है वो जो नंबर मेंशनड है उस पर आप इंशाल्लाह कल कॉन्टेक्ट कर लो, आपको सारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है? और अगर कोई मसला हो तो आप मुझे भी बिला झिझक व्हाट्सएप कर सकते हो, बस मसला ये होता है मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए हुए होते हैं तो कुछ मिस हो जाते हैं, फिर मैं एडमिन को बता दूंगा कि भाई इस बच्चे का प्रॉब्लम देख लें। और अगर किसी ने कैंपस, अच्छा कितने लोग कराची से हो, कितने आउटसाइड कराची हो, अपने शहरों के नाम लिखो जरा यहाँ। से कब होगा आपका? अच्छा दानिश, PRC 2 जो है ना उसकी स्मार्ट क्लासेस मेरी अवेलेबल नहीं है, वो सर नहीं बोला कि अवेलेबल है, लेकिन जूम की रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो बिल्कुल अवेलेबल है, और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो उसके ग्रुप पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, सादिकाबाद, कराची, कराची, कोयटा, कराची, ठीक है कोयटा, ठीक है सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी, मज़ा आया है नहीं आया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो मैंने लिया है आपका, बिल्कुल आपने PRC 2 हो आप, मैं जैसे वो जो ग्रुप है ना उसमें इसकी भी गाइडेंस दूंगा, बिल्कुल दूंगा, आप फिक्र नहीं करो, आपको फिक्र करने की 0% ज़रूरत है, पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, जो बातें हमने आज डिस्कस करी उसको इम्प्लीमेंट करने पर होना चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी है, गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर ना कंटेंट प्रोवाइड करना वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो दानिश मैं, क्योंकि आप इनरोल्ड भी हो मुझे मालूम है, तो मैं आपसे 1-to-1 डिस्कशन भी इंशाल्लाह करूंगा, जैसे जैसे आगे हमारे लाइव सेशंस होंगे उनके बारे में आपको डिटेल्स भी मिलती जाएंगी। जी जनाब, और किसी का कोई सवाल? चले जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस सेशन में मजा आया होगा, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने सेशन को लेट ज्वाइन किया है, डू मेक श्योर के इस सेशन की रिकॉर्डिंग लाजमी तौर पर देखें, और इस सेशन में जो जो चीजें डिस्कस करी गई उस पर अमल करें और फायदा उठाएं, PRC पहली अटेम्प्ट में क्लियर करने की पूरी 110% कोशिश करें, कंप्लीट करें चीजें ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, अपना सब ख्याल रखिएगा, अगर किसी का सेशन के बाद भी कोई मुझसे बात करनी हो, मैं बस 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर व्हाट्सएप चेक करूंगा इंशाल्लाह, और अगर आपकी क्वेरी होगी कोई तो उसको बिल्कुल मैं एड्रेस करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाएंगे तो लाजमी तौर पर जल्दी करवा लें, ताकि मैं जो है वो लाइव सेशन जब अगले वीक से स्टार्ट करूँ स्मार्ट प्लानर के हिसाब से चलो तो आपके पास सारी गाइडेंस हो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखना, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे, जिस जगह रखे, जिस कंडीशन में रखे, बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे, और आप लोगों के लिए सारी मुश्किलात को आसान अल्लाह ताला बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बच्चों सेशन अटेंड करने का, मिलते हैं आने वाली स्मार्ट क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो 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 मच, बहुत सारा प्यार सबके लिए, अल्लाह हाफिज़।